देखिए, सबसे पहले तो हमारा देश हिंदुस्तान है, वो हम लोग से छुपा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुत्व राज, उसको हमारी बच्ची लोग को समझना पड़ेगा। और जो ऐसा कांड किए हैं उनको हम लोग के यहाँ पनाह मिला था, पनाहगीर हैं, तो हम एक पनाहगीर के साथ क्या रिलेशन बना रहे हैं उसको समझना पड़ेगा पहले बेटियों को। और अवतार क्या, अगर ये सनातन धर्म को नहीं समझेंगी हमारी बेटियाँ तो अवतार क्या, हजार क्या लाख करोड़ अवतार ऐसे हैं जो हमारी बेटी को, अभी तो 32 टुकड़ा कटा है, 100 टुकड़ा में कटेंगी वो लोग। इसलिए पहले सनातन धर्म को लोग समझें। वो लोग चांद का पूजा करता है, हम लोग सूर्य का पूजा करते हैं। वो लोग पूरब में, हम लोग पूरब में बैठ के पूजा करते हैं, पश्चिम का पूजा करता है। हम लोग हैं सो रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं। हम लोग गाय का पूजा करते हैं, वो गाय को खाते हैं। कैसे एक हो सकते हैं? प्यार करने के पहले समझना पड़ेगा ना कि हम लोग रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम लोग क्या करेंगे, उनके साथ फ्रेंडली कैसे होंगे। जब सब कुछ हम लोग का उल्टा है तो फिर वो अपना कैसे हो सकता है? पहले वो चीज़ को समझना पड़ेगा हम लोग की बेटियों को। और हम माँ बाप से गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़कर बोलते हैं कि जन्म से ही बच्चे को सनातन धर्म का ज्ञान दे। पहले सरकार को तो सबसे पहले मुस्लिम ही नहीं कोई भी हत्यारा हो या कोई भी बलात्कारी हो, उसको सबसे पहले फांसी का सजा होना चाहिए। प्रूफ हो जाए तो फांसी का सजा होना चाहिए। और इस टाइप से अगर सरकार उसको मुक्त करते जा रहे हैं, जैसे यहाँ से 3 कोर्ट 4 कोर्ट ये लोग हैं सो निकलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? नीचे के ही कोर्ट से ना उनको अपराधी, जब हो गया कि अपराधी है तो नीचे कोर्ट का ही ना सजा उसको देना, सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, रिहा होकर आ जाते हैं।